घर पर ही बनाएं बच्चों के लिए मैथ एक्टिविटी वर्कशीट। बच्चे रो रो कर नहीं, खेलते खेलते पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी कैटरपिलर का शेप, जिसमें मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये बच्चों को दूंगी। मैं बना रही हूँ कैटरपिलर का शेप, जो कि बहुत ही इजीली मॉम्स अपने घर पर बच्चों को बनाकर दे सकती हैं और बच्चे उन्हें बड़े ही आसानी से और इन्जॉय करके इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 5 = और उनको यहाँ इसका आंसर लिखना है। मैं अक्सर अपनी बेटी को इसी तरीके से मैथ एक्टिविटी देती हूँ, जिसे वो इन्जॉय करके अच्छे से करती है और करने के बाद उसे कलर करने का मौका भी मिलता है। बच्चे अक्सर इस तरह के शेप्स में काम करना पसंद करते हैं मोस्टली। (7 = how much) ठीक है, आप बच्चों को इस तरह से कैटरपिलर का शेप बनाकर उनके अंदर मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस इस तरह के छोटे छोटे सम्स दे सकती हैं, जिन्हें बड़े बच्चे मस्ती के साथ करेंगे। अब मैं बनाऊंगी नंबर लाइन, जिस पर मैं 0 से लेकर 10 तक नंबर लिख रही हूँ। हमें 2 + 2 बच्चों से करवाना है, उनसे कहना है कि पहले 2 नंबर स्किप करिए, फिर 2 स्किप करिए। अब बताइए टोटल आपने कितना स्किप किया, तो वो काउंट करेंगे और नंबर यहाँ लिखेंगे। हम बच्चों को पैटर्न सीक्वेंस भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शेप बनाए हुए हैं। ये है हमारा स्क्वायर का शेप, ये है किसका शेप निकिता? ट्रायंगल का। फिर आया स्क्वायर का शेप, फिर आया ट्रायंगल का शेप। तो अब बच्चों को यहाँ खुद से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अब कौन सा शेप आएगा। बताइए बच्चों यहाँ कौन सा शेप आया, पहले स्क्वायर था, फिर ट्रायंगल आया, फिर स्क्वायर आया, फिर ट्रायंगल आया। तो इसी तरह से अब कौन सा शेप का सीक्वेंस आएगा? स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर का। ठीक है, बच्चे इस तरह के शेप्स को सीक्वेंस में लगाने के बाद इनमें कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को कलर करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, कलर करने का उनका काफ़ी मन करता है। तो हम उनसे कहेंगे आप उनसे कलर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये सीक्वेंस करने पड़ेंगे, आपको ये सम्स सॉल्व करने पड़ेंगे। अब हम बच्चों को कुछ शेप मैच करने के लिए देंगे, वो उनको डॉटेड भी बनाएंगे और उनसे कहेंगे कि उन्हें ड्रॉ करना है और मैच करना है विद देम राइट शेप। बच्चे इस तरह के वर्क को, एक्टिविटी को बड़े ही इंजॉय के साथ करते हैं और वो अपना भी बिजी रहते हैं। इस तरह से हमें भी उनसे बार बार पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ता और बच्चों को भी बोरिंग नहीं लगता। वो अपना मजे के साथ इस तरह की एक्टिविटी करना पसंद करेंगे और उसके बाद अगर उनको कलर करने का मौका मिल जाए तो ये तो और ही सोने पे सुहागा होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बताते हैं और क्या हम दे सकते हैं बच्चों को।
बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग की एक्टिविटी को काफ़ी इंजॉय करके काम करते हैं, तो हमको जो उनको वर्क देना चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी हम उनको दें उसमें कलर करना भी ज़रूर मेंशन हो, क्योंकि अगर बच्चों को हम लालच देंगे ना कि पहले आप इसको कर लो फिर आप इसमें कलर भी कर सकते हो, तो वो खुशी खुशी वर्क ज़रूर करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये मैंने ट्री बनाया और मैं ये मैंगो भी बना रही हूँ, ठीक है, और मैंने 3+9 उनको बोला बताओ कितने होते हैं 3+9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले कहना है बच्चों को कि आप पहले ये 3+9 को कैलकुलेट करिए, ठीक है, कैलकुलेट द सम एंड देन ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री। बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो भी जितना भी आंसर आएगा उतने ही मैंगो यहाँ ड्रॉ करेंगे और उनमें कलर करेंगे, ठीक है। तो 3+9 जैसे बच्चे करते हैं 3+9, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ प्लस करने की। वैसे क्या था कि ट्रेडिशनली जैसे हम बच्चों को शुरुआत में सिखाते हैं LKG UKG नर्सरी के बच्चों को कि पहले 3 लाइन खींचो, फिर 9 लाइन, फिर 9 लाइन खींचो, 1 2 3, कि पहले 3+9 करना है तो जैसे हमें सिर्फ 3 लाइन खींचने की ज़रूरत है। अब 9 के आगे से नेक्स्ट नंबर से हम काउंट करें 10 11 12, ठीक है, तो हमें इतनी सारी लाइन्स खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमने एक बच्चों को अभी से ही शॉर्ट ट्रिक भी बता दी एडिशन करने की कि जो कम संख्या वाला नंबर है सिर्फ उतनी लाइन खींचें और नेक्स्ट नंबर से काउंट करना शुरू करें, तो आंसर 12 आ गया। 3 मैंगो यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ है ही है, तो बच्चों को अभी कितने और बनाने हैं, अब 7 8 9, आंसर 9, तो यानी कि हमको यहाँ 9 बच्चे मैंगो ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को बोलना है अगर आपको हेलीकॉप्टर में कलर करना है तो सबसे पहले ये सम्स सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद फिर देखिए कीवर्ड्स में कौन सा कलर है वही कलर आपको यहाँ करना है। जैसे 3+3 6 हुआ, तो 6 में है ब्लू नंबर, यानी कि हमको यहाँ ब्लू नंबर करवाना है बच्चों से। चलिए अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी देते हैं। ये तो सिंपल काउंटिंग हो गई 1 2 3 4, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 1 नंबर स्किप है, यानी कि ये 2 की टेबल है, और ये 3 की टेबल है, ये 4 की टेबल है। अब हम बच्चों को ब्रेन शार्पनर एक्टिविटी देते हैं। ये कैलकुलेट करना है और उनका करेक्ट आंसर इस वाले सर्कल में लिखना है। यहाँ पर बच्चों को मिसिंग नंबर सीक्वेंस में लिखना है। तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी है जिनको मॉम बहुत ही इजीली अपने ही घर पर बच्चों को किसी भी पेज पर कॉपी पे इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को दे सकती हैं। इनको बच्चे बड़े ही फन से एंजॉय होकर करते हैं और करने के बाद इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। इनसे इस तरह की एक्टिविटी करने से बच्चे कभी बोर नहीं होते।
तो ये है हमारी कुछ फन मैथ एक्टिविटी जो हम घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, इन्हें बच्चे बड़े ही इंजॉय होकर करते भी हैं होमवर्क और कलर भी करते हैं। देखिए ये जो मैंने एक्टिविटी बुक तैयार करी थी मैथ की, और अब मेरे बच्चे ने जो कि नर्सरी कर चुकी है, एलकेजी में पढ़ रही है, उसने बड़े ही मज़े से ये सब कर भी लिया काम, और वो उसको करते हुए बहुत एंजॉय भी कर रही है।